आज प्रदेश के 50 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 50 जनपदों में सघन पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, जिसमें 5 वर्ष तक के सारे बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं उनसे लेके 5 वर्ष तक के सारे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद से उनको आच्छादित किया जाएगा। पिछले 13 वर्षों से भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश पोलियो से मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या मोजाम्बिक में केसेस अभी भी हैं, इसलिए एहतियातन ये खुराक जो है अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है, जिससे जो वर्तमान पिछले 13 साल का जो हमारा पोलियो फ्री स्टेट है उसको हम मेंटेन कर सकें। हमारी आप सभी से ये अपील है कि आप अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने निकटवर्ती बूथ पर जाके पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलवाएं। मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवा जब भी राउंड हो तो अवश्य पिलाएं, क्योंकि देखा ये गया है कि अभी हमारे देश में तो पोलियो का केस एक भी नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी पोलियो के केस निकल रहे हैं, और जब तक हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो के केस निकलते रहेंगे तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। जब भी आपके यहाँ टीम आए या पोलियो बूथ लगे, आप अपने 5 साल तक के बच्चे को वहाँ पर ले जाकर उसी दिन दवा पिलाने की कोशिश करिए जिस दिन पोलियो बूथ हो। इससे बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आसपास के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं रुटेरियन अजय सक्सेना नेशनल कमेटी मेंबर, इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी का हूँ, और आज बड़ी खुशी की बात ये है कि जिस लड़ाई को रोटरी ने 1979 से शुरू किया था और 85 में हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया, और हम बड़े खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि सारे पार्टनर्स के साथ मिलके, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के साथ, हमने पोलियो पे विजय प्राप्त की है। लेकिन अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में केसेस हैं, इसलिए ये हम लोग राउंड कर रहे हैं, और आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चे को ज़रूर पोलियो ड्रॉप पिलाएं, जिससे कि कोई दोबारा से अगर ये हो गया तो शायद हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसमें मीडिया का, स्वास्थ्यकर्मियों का और आप सबका, माता पिता लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि आपने आके इस अभियान में हमारी सहभागिता की और हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें। आज पुनः हम लोग का पल्स पोलियो दिवस और ये जो सप्ताह है ये मनाया जा रहा है, और पूर्व की तरह भी हम लगातार घर घर जाके जो पोलियो के उपयुक्त बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलवाएंगे, और बचे हुए समय में मॉपअप अभियान चला के और छूटे हुए बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भारत सरकार के अथक प्रयासों से भारत पोलियो पे विजय प्राप्त कर चुका है, किंतु अगल बगल के कुछ राष्ट्र जिनमें पोलियो का अभी भी इंसिडेंस हो रहा है वो हम लोगों को जगाते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं, सतर्क करते रहते हैं कि अभी अभियान ख़त्म हुआ नहीं है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। बोलना है, अच्छा ठीक है। पोलियो के बारे में आप सभी लोग विदित हैं, जैसा कि पोलियो का एराडिकेशन हिंदुस्तान से किया जा चुका है, परंतु पड़ोस के देशों में जो है पोलियो के केस अभी भी मिल रहे हैं, उससे सावधानी बरतने के लिए हम जो है पोलियो का राउंड अब साल में एक बार चलाते हैं। शुरुआत में हम पोलियो को हर महीने जो है एक राउंड चलाते थे, इसमें 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है पोलियो की खुराक पिलानी है। फर्स्ट राउंड में हम जो है एक बूथ पर पोलियो पिलाते हैं, और उसके बाद में जो बचे हुए बच्चों के लिए घर घर जाकर के मॉपअप राउंड के दौर में सारे बच्चों को पोलियो से आच्छादित करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सब विदित हैं कि आज से पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है, इसमें आज के दिन रविवार के दिन हर जगह बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उसके बाद आगामी शुक्रवार तक ये हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अतः मेरा पूरी आम जनता से, सभी से निवेदन ये है कि अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, जहाँ पे भी आपके यहाँ छोटे बच्चे हों जिन्होंने पोलियो की दवा न पी हो, उनको पोलियो की दवा ज़रूर पिलवाएं और अपने देश को स्वस्थ और मजबूत बनवाएं। धन्यवाद।